हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी, ये भी है ठग लाइफ। आजकल हम ठग लाइफ के पीछे पड़े हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को भी मजा आता है, मैं भी एंजॉय करती हूँ ठग लाइफ, और आप लोगों को भी पसंद आता है। तो ये भी है सुधांशु त्रिवेदी प्रो मैन की ठग लाइफ फ्रेंड्स। तो आइए पहले दे देते हैं रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, 3000 करना है ना। तो आइए पहले दे देते हैं रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे। पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में कहाँ बोला था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते वो। नहीं, मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज़? यही, हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं ऐसे जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, मुस्लिम्स, हिंदू, लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या करते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, यही बात है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति जी ने जो कहा, क्या ये देश ऐसे आका जाएगा कि गुजरात का नमक खा रहे हैं, पंजाब का गेहूं खा रहे हैं, बंगाल का चावल खा रहे हैं, फले का धान खा रहे हैं, कहाँ की दालें खा रहे हैं? अरे ये एक देश है और ऐसा होता है देशों में। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि उसका गेहूं खाते हैं, पश्चिम बंगाल का चावल खाते हैं, कहा जाता है। अंजना जी, बात गुजरात चाहता है कांग्रेस, बिल्कुल नहीं चुपता। आप विषयांतर कर रही, इसलिए विषयांतर कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के महिमा मंडित आप उदित राज को सही ठहरा उदित राज को सही ठहरा लेकिन उदित राज जी ने, मैंने भी पढ़ा आने से पहले, उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान है और ये कांग्रेस का बयान नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में पहुंचते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता कहता है उसका पर्सनल बयान है, कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री कहता है शशि थरूर, उसका पर्सनल बयान है, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहता है जाकिर नायक शांति का मसीहा था, ये पर्सनल बयान है, कांग्रेस की सरकार कहती है कि हाफिज सईद ने 26/11 कराया और दिग्विजय सिंह बतौर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये आरएसएस ने कराया, ये पर्सनल बयान है। और पर्सनल तो इनका जानते हैं कितना मजेदार हो चुका है, सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर, 13 जनवरी 2013 जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, आरएसएस वाले आतंकवादी अड्डे चला रहे हैं। और जब सुषमा स्वराज जी ने पूछा, आपने होम मिनिस्टर के रूप में कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, होम मिनिस्टर के बयान को कहा जा रहा सीरियसली? आपके चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, डॉट डॉट को गद्दारों को क्या, आप बताइए ना, क्या बोला उन्होंने गोली मारने के बाद? मंत्री ने बोला गोली मारने की बात, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, जनता कह सकती थी धक्का मारो, जूता मारो, गोली मारो, जनता ने कहा ना, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है बताइए? देश का गद्दार कन्वीनियंस की क्या बात? अरे ये बताइए, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? जिसको इशरत में बेटी नजर आती है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है, उनको परेशानी है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। आप लोगों को पता है ये साझा गंगा जमुनी संस्कृति की बात सबसे पहले इसे कहते हैं जवाब, ये आई औरंगजेब के बड़े भाई दारा चिको ने अपनी किताब लिखी मंजमल बहरीन, जिसमें था दो समुद्रों का मिलन। yes. उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा सिर्रा अकबर, मगर औरंगजेब ने उसका सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को दिया, जिसने साझा संस्कृति का सर काट दिया, वो साझा संस्कृति का प्रतीक हो गया। अरे चलो बता देते हैं, मैं बता दे रहा हूं, वो पूरा पीरियड ये बता दीजिए, पूरी बात विक्रमादित्त ने अपने भाई का सर काटा था कि नहीं काटा था? विक्रमादित्त ने अपने भाई का सर किसी ने नहीं काटा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगजेब चार भाई थे, उसने शुजा मुराद दारा तीन का कत्ल किया,
अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहाँ चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ वन में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। ये अंतर है हमारे राम देव को क्या तुलना करने की बात करते हैं। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री हैं, और मैं कहती हूँ हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियो भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से। एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, बोलिए बोलिए। ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। नहीं, पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं। नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर, क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था, कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था, ना। क्या पार्टी ने चुना था, ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बने। अच्छा। राजीव गांधी जी को किसने चुना था, देश ने चुना था, ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है, और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में दो ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। अच्छा। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने। सही बात है। गांधी जी पर तो मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को ही, उससे पहले 13 दिन पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हुआ था, नाथुराम गोडसे का नाम लिया था, और मोरारजी देसाई जो उस समय होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ऐसा क्यों है कि आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने गांधी को मारा? पूरी बात तो ये पूछना चाह रही हूं, पूरी बात सुनिए, क्या सिखाते हैं आप? देखिए, फिर आपने कहा था कि आप बीच में बोलिए, मैंने बीच में बोला तो उतना मैंने बोल दिया, आपने बोल लिया, आपने, अब मैं चुप रहूं। तो चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने केंद्र को कि क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, नाथुराम गोडसे को, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुनिए, उसके बाद मैं पूछता हूं कितनी सिक्योरिटी दी गई गांधी जी को उस समय, जबकि देश में क्या भयानक माहौल था, और देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और नाथुराम गोडसे का बयान है अदालत में कि मैंने 2 गोली चलाई। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, दोनों ने कहा 4 गोली चली। पुलिस ने अपनी FIR में लिखा 3 गोली चली। कितनी गोली चली यही तो बता दो भाई, न सिक्योरिटी का पता उसको छोड़ पहले दिया गया, उसके बाद गोली चली ये नहीं पता। अब हम ये कहें कि गांधी जी की मृत्यु के बाद कितनी सिक्योरिटी थी, नाथुराम गोडसे को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जब होम मिनिस्टर ने लिखा, इस बात का जवाब दीजिए, आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात का जवाब है कि होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, और पुलिस के बयान और खुद जिसने गोली मारी उसके बयान में अंतर होने के बावजूद आज तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तीसरी बात, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक मिनट मैं जो बात कर, और सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो 40 मिनट तक जीवित रहे। आज पता कर लीजिए, बिरला मंदिर से और ये जो लोहिया हॉस्पिटल, इसको वेलिंगटन कहते थे उस जमाने में, सुनिए, 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था संघ की, उनको क्यों नहीं अस्पताल ले जाएंगे? अब एक और मैं बात कहता हूँ, वो नहीं, बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, मैं तो सिर्फ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, दर्शकों पे छोड़ रहा हूँ, हुआ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। आम आदमी पार्टी गुजरात, आम आदमी पार्टी को गुजरात में कुछ भी करे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? मुफ्त वाली दुकान आप भी सजा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, वो दिल्ली में शराब के नशे में धुत होकर बिजली का नंगा तार छू चुके हैं, और यही समझ लीजिए कि जिस ऑटो में बैठ के तकरार कर रहे थे शराब के खुमार में बैठकर, वो तो ऑटो ड्राइवर निकला हमारा कार्यकर्ता,
तो इसी समझ लीजिए वो किस गलत फहमी के साथ गुजरात में जी रहे हैं। मगर एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू बड़ा एप्रोप्रिएट है, वो जानते क्यों? जहां वो इनसे लड़ते हैं वहां इन पे झाड़ू फेर देते हैं, दिल्ली हो या पंजाब। जहां हमसे लड़ते हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फेर जाती है, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश। क्यों, दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में हम दो दो बार हो गया, आप तो सुनिए तो, घाव गहरा है। सरकार इनकी थी, जहां लोकसभा में हमसे मुकाबला हुआ दोनों बार 7-0, हम 7-7, वो 7-0। उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त। मजा आया 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 राहुल गांधी आए। आज आज की टग लाइफ में राहुल गांधी का जिक्र नहीं था, कांग्रेस के कपिल शर्मा का जिक्र नहीं था, हा? लेकिन आया आखिर में, मजा आया। और रही बात सुधांशु त्रिवेदी की, वो तो प्रो मैन है, क्या जवाब देते हैं, मतलब जवाब भी देते हैं साथ में सटीक सटीक डिटेलिंग भी देते हैं, तो सामने वाले को चुप बोलो ही मत। और कांग्रेस की तो ऐसे वोट लगाते हैं ना, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना, अभी की परिस्थिति में कांग्रेस वैसे कुछ बोलने लायक है नहीं अभी। और दूसरी बात रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल कहाँ, गुजरात में भी लड़ी थी, हाँ गुजरात में एक दो सीटें सॉरी आई है। अब कांग्रेस बोल रही है कि ये बीजेपी की उससे फायदा पहुंचाने के लिए लड़ी थी, और बीजेपी बोली ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ी थी। लेकिन कुछ भी हुआ हो, प्रचंड बहुमत से गुजरात में मोदी जी फिर से आ गए फ्रेंड्स। और रही बात फ्रेंड्स, एक मुद्दा मेरे को समझ नहीं आता, ये औरंगजेब की बात क्यों आई वो समझ में नहीं आया मेरे को। और दूसरी बात ये है ना फ्रेंड्स के, अगर देखिए राम के नाम पे राजनीति होती है समझे, ये अक्सर बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि बीजेपी के जब से अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब उसके उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पीएम पद के कैंडिडेट बने थे तब से बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये होता है कि राम मंदिर वो बनाएगी अगर वो सत्ता में आएगी। हालांकि वो चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद बहुत सालों के बाद फिर मोदी जी, उसके बाद 10 सालों के बाद, 10 साल कांग्रेस राज की, उसके बाद मोदी जी आए, तो और आए फर्स्ट टाइम 5 साल जो चला और सेकंड जो टर्म्स आया है मोदी जी का, तब हम जानते हैं कि मंदिर का फैसला आ गया है, मंदिर अभी बन रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमेशा से बीजेपी पे ये आरोप लगता रहा है कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी है। हालांकि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ फ्रेंड्स के ऐसा हमको लगता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत करीबी करीबी से मोदी जी की पॉलिटिक देखी है फ्रेंड्स, और बहुत करीबी से हम लोग उनकी जब वो CM थे उस चीज़ में हम 10 साल जिए हैं, तो हमको कभी ऐसा नहीं लगा और हमको कभी ये चीज़ लगी नहीं है कि वो मुसलमान विरोधी है वो फ्रेंड्स। हम खुद रहते थे, हमारे अड़ोस पड़ोस में मुस्लिम भाई थे, हम अब मिलजुल के रहते थे, हमको कुछ ऐसा लगा नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन पॉलिटिकल है भाई, पॉलिटिक्स कथनी कर रही, बोलो कुछ करो कुछ, ऐसे चलता रहता है फ्रेंड्स। इतना होता देखो कुछ भी हो, हाँ हम राहुल गांधी को जरूर याद करेंगे फ्रेंड्स। और एक बात है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेकिन तो मेरे को ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो सब ठग लाइफ से ज़्यादा इसमें डीपली काफ़ी जानकारी है और डीपली काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सोचने लायक है फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।